हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुणाल लुनारे। वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। सो गाइस, जो आज का जो टॉपिक है वो है रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करते हैं। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस के ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में जो हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। ठीक, सो जी, आज के टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे। सो जी, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। इसका मतलब क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, सो जी, सबसे पहले मैं एक कंट्री लेता हूँ, इंडिया। ठीक, ये इंडिया है एंड दिस इज़ दुबई। ओके, इंडिया एंड दिस इज़ दुबई, टू एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, जिसमें मैं दो कंट्रीज़ ले रहा हूँ, बेसिकली इंडिया एंड दुबई। सो गाइस, मैं यहाँ पर आप सभी से पूछूंगा कि जी, जो पेट्रोल रहता है वो ये दोनों कंट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? तो गाइस, आपका आंसर आएगा दुबई में। ठीक गाइस, दुबई में पेट्रोल की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पेट्रोल आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा। ठीक है, पेट्रोल आपको यहाँ पर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा, इतना ज़्यादा कि इसकी यहाँ पर पेट्रोल की हम लोग हमारी कंट्री में, जैसे इंडिया में पेट्रोल की डिमांड बहुत है। ठीक, बट सप्लाई कम है, उसके कारण पेट्रोल की प्राइस क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बट जी, दुबई में पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, इसके कारण जी दुबई में पेट्रोल की जो प्राइस है बहुत चीप है। ठीक, तो गाइस बेसिकली अब मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने लिखा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। मतलब इस पॉइंट में ये देखिए, पढ़िए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। मतलब जी, हमारी कंट्री में पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बहुत कम। ठीक, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा। बट जी, वहीं पर दुबई की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेट्रोल बहुत लार्ज क्वांटिटी में है ना। तो जी, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड कर देते हैं। ठीक, हम क्या कर देते हैं, ट्रेड कर देते हैं आपस में। मतलब बेसिकली इंडिया क्या करेगा, दुबई से पेट्रोल मंगाएगा, क्योंकि दुबई में बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, तो इंडिया में हम लोग क्या कर लेते हैं, उनसे मंगा लेते हैं, जिससे हमें चीप में मिल जाता है पेट्रोल, है ना। तो मतलब जैसे मान लीजिए, आप जो भी मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, इमेजिन कीजिए आप जो भी कंट्री में होंगे, तो जी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में वो चीज़ हो जो आपकी कंट्री में ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी कंट्री में कोई रिसोर्सेस है जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में है और वो कोई और कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब जी, वही चीज़ कोई और कंट्री में बहुत, एक कोई भी रिसोर्सेस अवेलेबल है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बट वही चीज़ आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हर कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। ठीक, मतलब इंडिया में पेट्रोल लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, वो दुबई में ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर देते हैं, जिससे हम लोग उनसे पेट्रोल ले लेते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब गाइस, सेकेंड पॉइंट, इसमें मैंने लिखा है कि कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली और चिपली ऑल दैट दे नीड। ठीक, इसे भी एग्जाम्पल में समझते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ इंडिया को एंड मैं लेता हूँ जापान को, है ना। सो जी, मैं यहाँ पर इंडिया एंड हियर इज जापान। ठीक, अब जी, अब मैं आप सभी से पूछूँ कि इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ तरक्की करता है। ठीक, तो आप सभी का आंसर आएगा एग्रीकल्चर में। हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत आगे हैं। एग्रीकल्चर पे, यार ये पेन भी वर्क नहीं कर रही है, नहीं पता क्यों। सो बेसिकली हम इंडिया में एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत आगे हैं। और जी, मैं वहीं पर जापान की पूछूँ तो जापान आप सभी जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है ना, टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है। ठीक, और वहीं पर हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी में बहुत कम है, इतने भी कम नहीं है, बट जापान के हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी जो है कम है। और वहीं पर मैं पूछूं कि जापान एग्रीकल्चर में कैसा है, तो जी जापान एग्रीकल्चर में हम लोग से क्या है, कम है ना। इतनी बात समझ में आ गई। सो जी बेसिकली, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बट हम इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में पीछे हैं।
और वहीं है ना टेक्नोलॉजी मतलब सॉरी एग्रीकल्चर में बहुत आगे, और वहीं जापान एग्रीकल्चर में क्या है बहुत पीछे है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, हम लोग आपस में इंटरनेशनल ट्रेड कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जापान को हम लोग दे देंगे एग्रीकल्चर, ठीक, और वहीं पर हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, तो हम लोग जापान से क्या मांग लेंगे, टेक्नोलॉजी, है ना। तो जी इससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, हो रहा है। अब जी अब इसको मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, तो इससे आपको बताता कि देख यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली और चिपली ऑल दैट दे नीड। अब जी मैं जापान को बोलूंगा कि भाई तू एग्रीकल्चर में भी आगे जा, एग्रीकल्चर तू तो टेक्नोलॉजी में आगे है, तू एग्रीकल्चर में भी आगे जा, तो जापान वाला वो कर नहीं पाएगा, ठीक, करे ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाएगा, कर सकता है, बट उसको उसको करने के लिए उसको बहुत हाई प्राइस लग जाएगी, बहुत ही मतलब बहुत महंगा पड़ जाएगा एग्रीकल्चर में अपने आप को बढ़ाने में। अब भाई मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया अपना एग्रीकल्चर में जी बहुत आ गया है। अब मैं इंडिया को बोलूँ कि भाई तू टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही आगे चले जा, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर सकता, कर सकता है, बट जी अब ये टेक्नोलॉजी के लिए आगे एकदम बढ़ जाएगा ना, तो इसको बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत ही पैसा लग जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली और चिपली ऑल दैट दे नीड, ठीक। तो बेसिकली अब देखिए, अब जापान में टेक्नोलॉजी चीप है, तो हम लोग ने क्या कर लिया, उनसे ट्रेड कर लिया, और जी हमारे पास एग्रीकल्चर हमारे पास चीप है, तो जापान ने हमसे क्या कर लिया, एग्रीकल्चर मांग लिया। तो बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें मैंने लिखा भी है कि कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली, मतलब हर कंट्री इक्वली प्रोड्यूस नहीं कर सकती और बहुत चीप प्राइस में, ठीक। जैसे जापान क्या कर सकती है, एग्रीकल्चर को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कर सकती है, चांसेस है, बट जी वो चीप नहीं रहेगा, उसमें हाई प्राइस लग जाएगी, ठीक। वैसे इंडिया भी क्या कर सकता है, जैसे जापान टेक्नोलॉजी में आ गए, तो हमारी कंट्री टेक्नोलॉजी में उनसे आगे नहीं जा सकती, है ना, कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली, जापान जापान के जैसे टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और जी कर सकती है, चांसेस है करने के, बट जी चीप नहीं रहेगा, क्या बहुत हाई प्राइस में, बहुत हाई प्राइस लगेगा टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने में। इसलिए हम यहाँ ये दो कंट्री आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर लेगी, जिससे आपको एक दूसरे का जो 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 भी कंट्री एक दूसरे से आगे है, वो एक दूसरे से शेयर कर लेगी अपने रिसोर्सेज, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। अब जी नेक्स्ट पॉइंट, सो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है लैंड, लेबर एसेट्रा, और इसके साथ इसमें आ जाएगा कैपिटल, रॉ मटेरियल्स। सो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है कि जी हर कंट्री में आपको हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब सो गाइस देखिए, बेसिकली आप देखिए कोई भी फैक्ट्री चालू करनी है आपको, ठीक, तो जी आपको सबसे पहले एक लैंड लगेगा जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री को लगाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब जी लेबर के बाद आपको किस कंपनी चालू करने के लिए बेसिकली कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा, तभी तो कैपिटल मतलब इंडस्ट्री चालू करोगे। तो बेसिकली तो जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही सब है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, यही सब चीज़ है, ठीक। सो बेसिकली अब देखिए, अब जी इंडिया की मैं बात करूँ, तो जी इंडिया में आपको लैंड भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक, और आपको बेसिकली लेबर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक, एकदम ज़्यादा मिलेंगे। तो बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है कि जैसे देखिए लेबर की मैं बात करूँ, तो जी फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में आके अपने कॉल सेंटर्स लगाती है। आप सभी को पता होगा कि बाहर की कंट्रीज हमारे कंट्रीज में अपने कॉल सेंटर्स लगाती है, इसलिए लगाती है क्योंकि हमारे यहाँ के जो लेबर्स हैं उनको बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके कंट्री में भी लेबर है, उनके मतलब ऐसा नहीं है कि उनके कंट्री में भी लेबर नहीं है, मतलब बेसिकली उनके कंट्री में भी लेबर है, बट जी उनको उनको मतलब उनको अपने लेबर्स को देने में बहुत हाई प्राइस लगता है, बट वहीं पर हमारी कंट्री में जो लेबर्स हैं उनको चीप इसमें मिल जाता है, ठीक। सो वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री में आके इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, जिससे वो हमारे लेबर्स को क्या कर सकते हैं, एकदम चीप सैलरी में एम्प्लॉय कर देते हैं, और जो कि पूरा पॉसिबल है इंटरनेशनल बिजनेस के कारण में, ठीक है। सो गाइस यही तीन पॉइंट है बेसिकली, और बाकी जो पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। सो जी इसी के साथ मैं चलता हूँ, अब आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू, बाय।